क्लास फाइव अमेजिंग साइंस बुक कंटिन्यूइंग आवर यूनिट नंबर सिक्स वाटर. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फ्यू टर्मिनोलॉजीज ऑफ मेटर, वेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन एंड फ्रीजिंग. व्हाट इज एवेपोरेशन? एवेपोरेशन क्या होती है? जब लिक्विड जो है वो बॉयल हो रहा होता है, और लिक्विड जब आपने अक्सर देखा जब हम किसी पानी के बॉयल कर रहे होते हैं तो अक्सर जो सा होता है जब पानी बॉयल हो रहा होता है तो उसके ऊपर से आपको धुआं नज़र आ रहा होता है, स्टीम नज़र आ रही होती है. बेसिकली वो क्या होता है, वो जो वाटर होता है, वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जब उनको ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है तो वो गैस की फॉर्म में हवा में जो से एटमोसफेयर में वो उड़ जाते हैं. वो जो पार्टिकल्स एस्केप कर जाते हैं, वो जो उड़ जाते हैं वाटर के सरफेस के ऊपर से, उसे उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन. सेकेंड वन इज कंडेंसेशन. कंडेंसेशन क्या है? जब गैस जो सी है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है उसे बोलते हैं कंडेंसेशन. ये वेपोरेशन का ऑपोजिट है. वेपोरेशन में क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो गैस में चेंज हो जाता है, और कंडेंसेशन में क्या होता है, जो गैस होती है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है. वो जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं. थर्ड वन इज़ फ्रीजिंग. फ्रीजिंग क्या है? जब हम वाटर को फ्रीज़र में रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, तो हम थोड़े टाइम के बाद फ्रीज़र में देखते हैं तो वो बर्फ़ बन जाता है. जब लिक्विड जो सा है वो सॉलिड में चेंज हो जाता है उसे बोलते हैं फ्रीजिंग. जब लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है उसे बोलते हैं फ्रीजिंग. फिर है लिक्विफिकेशन. लिक्विफिकेशन भी जैसे कंडेंसेशन इसी तरह से ही है. गैस जो सी है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है उसे बोलते हैं लिक्विफिकेशन. फिर है सब्लिमेशन. सब्लिमेशन में क्या होता है, जो सॉलिड होता है वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है. जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो गैस पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं, इसे बोलते हैं सब्लिमेशन. जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं गैस पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं. वी विल रिपीट. इवेपोरेशन में जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो गैस पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है. कंडेंसेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन में जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, उनके अंदर से एनर्जी जो होती है वो लूज़ हो जाती है. एनर्जी लूज़ होने की वजह से वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं. फ्रीजिंग क्या होता है, जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड में चेंज हो जाते हैं, मतलब कि उसमें भी एनर्जी लूज़ हो जाती है लिक्विड पार्टिकल्स में, इसलिए वो सॉलिड में चेंज हो जाते हैं. फिर है लिक्विफिकेशन. लिक्विफिकेशन भी कंडेंसेशन की तरह है. जो गैस पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाते हैं. और सब्लिमेशन में भी क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो गैस स्टेट में चेंज हो जाते हैं, इसे बोलते हैं सब्लिमेशन. Moving on to filling the blanks, you have to do this question in your book. A. What is found in three states? Three states mein kaun kaun se hain? Water is found in three states: solid, liquid, and gas. B. When ice is heated, it melts. C. When a liquid is heated, it changes into gas. D. The change of state from liquid to gas is called evaporation. E. The change of state from solid to gas is called sublimation. क्वेश्चन नंबर थ्री, यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर. ये आपको MCQs दिए गए हैं, इस पर से हमने करेक्ट आंसर देखना है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? वाटर. द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर बिगर देन इन अ लिक्विड और सॉलिड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड? इट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप. डी. गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड बिकॉज दे हैव लार्ज स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स. ई. द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन. यू हैव टू लर्न दीज टू क्वेश्चंस एंड यू हैव टू डू दीज इन योर बुक. थैंक यू सो मच.